अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, तो इससे पहले वाले जो लेक्चर्स थे उनको अगर आप देखना चाहते हैं तो उनके लिंक्स जो है इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए हैं। तो आज हम 92 से ऑनवर्ड पढ़ेंगे एमसीक्यूज। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में से मैंने नहीं उठाया, बल्कि ये मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में से ये एमसीक्यूज हैं और अक्सर प्रीवियस पेपर्स में ये आए हुए हैं। तो 92 में कहता है हाउ मेनी वर्सेस आयत्स आर देयर इन सूरह निसा। सूरह निसा में कहता है कि कितनी आयत है या वर्सेस है। तो 200, 210, 176 या 173। तो 92 में आ जाएगा सी 176 आयत से सूरह निसा में। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 93। तो इसमें कहता है व्हाट इज द नंबर ऑफ मैक्सिमम आयत या वर्सेस इन सिंगल सूरह। कौन सी सिंगल सूरत ऐसी है जिसमें ज्यादा से ज्यादा यानी कितनी उसमें आयत है किसी एक सूरत में, जो मैक्सिमम आयत है वो कितनी है। 110 110 है, 286 है, 290 है या 430 है। तो 93 का जाएगा आपके पास भी 286 है। तो नेक्स्ट आपके पास है 94। इसमें कहते हैं विच इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रोड टनल। लॉन्गेस्ट रोड टनल कौन सा है टनल। तो कहते हैं चैनल टनल इंग्लैंड एंड फ्रांस, लार्सबर्ग बेस टनल स्विट्जरलैंड में है, वर्ल्ड्स इंग्लैंड टनल चाइना में जो है या लार्सबर्ग नॉर्वे में है। ठीक है, तो 94 का आपके पास आ जाएगा डी, नॉर्वे में है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 95। तो इसमें कहता है हु वाज द यूएसएस यंगेस्ट एवर इलेक्टेड प्रेसिडेंट। तो जॉन एफ केनेडी, हेनरी ट्रूमैन, एंड्रयू जैक्सन या जॉर्ज डब्ल्यू बुश। तो 95 का आ जाएगा आपके पास ए, जॉन एफ केनेडी। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 96। तो 96 में क्या कहता है, इसमें कहता है Which country largest foreign debt? कहता है कि which country has the largest foreign debt? इंडिया है, चाइना है, फ्रांस है या यूएसए है। तो 96 का आ जाएगा आपके पास भी ये यूएसए है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 97। तो 97 में क्या कहता है इसको देखेंगे। इसमें कहता है वेयर इज द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है, न्यूयॉर्क, इंडिया, चाइना या इटली। तो 97 का आ जाएगा बी, इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 98। तो 98 में कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इंटरनेट सर्च इंजन एज ऑफ 2022। तो गूगल, यूट्यूब, एमएसएन सर्च या yahoo.com। तो 98 का आ जाएगा आपके पास ए, ये गूगल है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 99। इसमें कहता है विच इज द फास्टेस्ट फिश इन द वर्ल्ड, वाइटिंग, टूना, सेलफिश या आपके पास वेल फिश। फास्टेस्ट फिश जो है इन द वर्ल्ड दुनिया में, तो 99 का आ जाएगा सी, ये सेलफिश है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 100। इसमें कहता है वेयर डिड द टू अर्थक्वेक्स हैपन दैट किल्ड द मोस्ट पीपल 83000। तो इन 1556 में कह रहे हैं एंड 750001 इन 1976, यानी कि 750000 और 830000, यानी कि अर्थक्वेक में जो सबसे ज्यादा ये दो अर्थक्वेक 1556 में और 1976 में जो बहुत ज्यादा लोगों की डेथ हुई है उसके बारे में पूछ रहे हैं, अर्थक्वेक के बारे में, जो एक 1976 में आया था और एक 1556 में, वो कनाडा में, जापान में, चाइना में या चिली में। तो 100 का आपके पास आ जाएगा सी, चाइना में। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 101। तो इसमें कहता है विच नेशन हैज द मोस्ट ऑफिशियल लैंग्वेज। कौन सी नेशन जो है कौन उसकी मोस्ट ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, साउथ अफ्रीका की है, चाइना की है, एंग्लो की है या जिम्बाब्वे की। तो 101 का जाएगा आपके पास डी, जिम्बाब्वे।
नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 102। इसमें क्या था, हाउ टॉल इज एंजल फॉल्स द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड। 569 मीटर है उसकी हाइट, या 779 मीटर, 807 मीटर, या 979 मीटर एंजल फॉल्स जो है। तो 102 का आ जाएगा आपके पास डी, 979 मीटर से। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 103। इसमें कहता है विच कंट्री कॉट लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश। अमेरिका है, कंबोडिया है, रशिया है, या साइप्रस है। तो 103 का आपके पास आ जाएगा बी, कंबोडिया। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 104। इसमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेंबर ऑफ द बाल्टिक स्टेट। एस्टोनिया है, सर्बिया है, रोमानिया है, या बुल्गारिया है। तो 104 का आ जाएगा आपके पास ए, एस्टोनिया। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 105। एक्साइज चीन इज द डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन चाइना इंडिया, इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड नेपाल, या नन ऑफ दीज। तो 105 जो है इसका आ जाएगा आपके पास ये चाइना एंड इंडिया, ये आ जाएगा। तो आज के लेक्चर में हमारे पास 105 तक एमसीक्यूज है। नेक्स्ट हम 106 से ऑनवर्ड एमसीक्यूज पढ़ेंगे।